सो हाई गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सर विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक सेटअप चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक 15,000 रुपये का गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं, जो कुछ नए पार्ट्स और कुछ सेकंड हैंड पार्ट से बना हुआ है। तो सारे पार्ट्स बहुत फेमस हैं, आपको कहीं भी किसी भी आराम से मिल सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो फिर तो आपके नेहरू प्लेस में आराम से आपको कोई भी पार्ट मिल जाएगा। तो उसकी चिंता ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कहीं शुरू करते हैं हमने पीसी बिल्ड को। तो पीसी बिल्ड में सबसे पहले जो हमने कंपोनेंट लिया है, उसके लिए हमने लिया इसका प्रोसेसर, जो है हमारा कोर i3 3220। ये दो कोर और चार थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.30 GHz, और इसमें जो कैश मेमोरी मिलती है वो आपको मिलती है 3 MB, जो आराम से किसी भी गेम को हैंडल कर लेगी। और इसमें स्ट्रक्चर मिलता है वो है 22 नैनोमीटर बेस, जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसमें। और इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक है वो है आपको इंटेल SG2500, जिसका हमें इसको यूज़ नहीं है, क्योंकि हम इस पीसी बिल्ड में एक ग्राफिक्स कार्ड भी यूज़ करने वाले हैं, तो ये हमारे लिए वेस्ट होने वाला है। पर फिर भी इसमें अगर आपको नहीं लगाना ग्राफिक कार्ड तो भी थोड़ी बहुत गेमिंग आप इस पर कर सकते हो। और इसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग में इनेबल मिलती है, और उसका सॉकेट है वो है 1155, तो आराम से आप कोई भी 115 वाले मदरबोर्ड पे इसको लगा सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमने इस पीसी बिल्ड के लिए बाय किया है वो हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के लिए हमने लिया गीगाबाइट की तरफ से आने वाला है H61 मदरबोर्ड, जो काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। इसमें आप DDR3M लगा सकते हो अप टू 16 GB, जो वर्क करेगी 3900 MHz पे, जो काफ़ी सही होने वाला है, आपको गेम आराम से रन कर देगी। तो ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है इंटेल के सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, जो आप i5 या i3 i7 किसी के भी लगा सकते हो, सारी वर्क करेंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा है रैम। तो रैम भी एक ऐसी चीज़ है जो आराम से कहीं भी आपको सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाएगी। तो उसमें यूज़ करिए हमने 8 GB की DDR3 रैम, जो वर्क कर रही है 1300 MHz पे, जो आपके गेमिंग के लिए काफ़ी ईजी है, आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपके गेम्स आराम से चलेंगे, आपके मैप जल्दी लोड हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा वो है 500 GB की हार्ड ड्राइव। ये हमने लिए कंसिस्टेंट की न्यू, तो ये 1700 रुपये की मिलेगी आपको अमेजोन पे, तो इस तो आपको कोई भी इशू आने वाला नहीं है, ये हमने नया पार्ट बाय करा है। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमने इस पीसी में यूज़ करा है वो हमारा ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड के लिए हमने लिया GTX 1050 2GB DDR5 वेरिएंट। इसके लिए हमने 1050 Ti इसलिए बाय नहीं करा क्योंकि वो पड़ रहा है सेकंड हैंड मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा, क्योंकि वो ग्राफिक थोड़ा ओवर प्राइस है सेकंड हैंड मार्केट में, और इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये काफ़ी आराम से भी मिल जाता है। तो मैंने इस ग्राफिक्स कार्ड को इसलिए लिया क्योंकि ये काफ़ी गेमिंग कैपेबल है, और 1050 Ti से ज़्यादा बेकार नहीं है, थोड़ा सा ही कम पावर है, बट वो 4GB में आता है, 2GB में बस इतना ही फ़र्क है। ये ग्राफिक्स कार्ड हमने इस पीसी बिल्ड में इसलिए यूज़ किया है। तो गाइस, लास्ट पार्ट जो हमने इस पीसी बिल्ड में यूज़ किया है वो हमारी पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए हमने यूज़ करी है सर्कल की 400 वाट्स की, जो अमेजोन पे मिल जाती है, तो ये भी हमने न्यू बाय करी है, ये पड़ती है आपको 1300 की। एंड इस पीसी बिल्ड के लिए सर्कल की मैं भरोसा कर सकता हूँ कि सर्कल भी इतनी बुरी ब्रांड नहीं है, आराम से ले सकते हैं। वरना अगर थोड़ा महंगा पीसी बिल्ड करो तो VS450 वगैरह पे जाओ, पर इस पीसी के लिए काफ़ी सही क्योंकि सस्ते में भी आती है और काफ़ी अच्छी भी है। तो गाइस, टोटल प्राइस जो हमारे पीसी बिल्ड की हो जाती है, मैंने मदरबोर्ड और प्रोसेसर 4000 में एक कॉम्बो में खरीदा है, जो आपको भी आराम से मिल जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा इनका प्राइस नहीं है, काफ़ी पुराने हो गए हैं प्रोसेसर। और 2000 का हमने खरीदी है रैम, जो हमें मिली है सेकंड हैंड 8 GB की DDR3 रैम 1300 MHz वाली। और 1700 की हमें पड़ी है नई, जो हमने कंसिस्टेंट की हार्ड ड्राइव ली है 500 GB की। और 1300 का पड़ा है हमें हमारे सर्कल का पावर सप्लाई यूनिट। एंड जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है ग्राफिक कार्ड, जो हमें पड़ा है 5000 रुपये का, 2 GB DDR5 GTX 1050। तो ये हमारा टोटल क्रॉस हो जाती है 14000। तो गाइस, अभी हमारे पास 1000 रुपीज़ बचते हैं। तो 1000 रुपीज़ के लिए मैंने यूज़ करा है अब सेकंड हैंड मार्केट में कोई भी एक अच्छी सी कैबिनेट बाय कर सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट की एक ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर कैबिनेट अच्छी नहीं होगी तो आपके में एयर फ्लो अच्छा नहीं होगा। RGB ना लो, बट एटलीस्ट एक ऐसी कैबिनेट हो जो अच्छे से कूलिंग प्रोवाइड कर पाए। तो गाइस, हमारा 15000 का पीसी बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। तो पढ़ लेते हैं इसके बेंचमार्क की तरफ कि इसमें कौन से गेम कैसी कैसी सेटिंग पर चल सकते हैं, कितने FPS पर। तो शुरू कर लेते हैं बेंचमार्किंग को। तो गाइस, फर्स्ट गेम जो हमने इसमें चलाया वो है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन में हमने चलाया हाई सेटिंग पे, हमें मिला 34 FPS, थोड़े ठीक है, बट लो सेटिंग पे आप इसका आराम से 60 तक पहुंचा सकते हो। फिर हमने नेक्स्ट गेम चलाया वो है फोर्टनाइट चैप्टर 2, इसमें हमने चलाया हाई सेटिंग पे, हमें आया 55 FPS, अगर आप इसे लो कर लेते हो आपके आराम से आ सकते हैं 90 FPS के आसपास। फिर हमने नेक्स्ट गेम चलाया GT5, जो काफ़ी फेमस गेम है, GT5 को हमने चलाया हाई सेटिंग्स पे, इसमें हमें 74 FPS, अगर आप लो पे कर लोगे तो आपको आराम से 100 के ऊपर चले जाएंगे FPS। फिर नेक्स्ट गेम जो हमने चलाया वो एपेक्स को हमने चलाया 1080p हाई सेटिंग पे, इसमें हमें 32 FPS। फिर हमने नेक्स्ट गेम चलाया वो है CS GO में हमने चलाया इसे अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स पे, तो इसमें हमारे FPS हैं वो 56। फिर हमने चलाया Red Dead Redemption 2 हमने चलाया मीडियम टू लो सेटिंग्स पे, इसमें हमारे मिले 32 FPS। फिर हमने नेक्स्ट गेम चलाया वो है वैलोरेंट में हमें मिले मीडियम सेटिंग्स पे 110 FPS, जो काफ़ी अच्छे FPS हैं। फिर हमने नेक्स्ट गेम चलाया वो Assassin's Creed Odyssey में मिले लो टू मीडियम सेटिंग्स पे 33 FPS के एवरेज। फिर हमने नेक्स्ट गेम चलाया वो है PUBG PC में मिले हाई टू मीडियम सेटिंग पे 29 FPS। फिर लास्ट गेम हमने चलाया वो Fortnite Chapter 1, चैप्टर 1 में मिले हमें हाई सेटिंग पे 55 FPS।
तो गाइस कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और घंटे के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए बाय। Problems, medicated, solve them. Slowly I've been falling, slowly I've been falling. I got lots of problems, medicated, solve them. Slowly I've been falling, slowly I've been falling.